वेटेरियन एक्टर दिलीप साहब की सेहत को लेकर उनके सबसे करीबी उनकी दोस्त फैजल फारूकी ने एक ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया। आज हम फैजल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। दरअसल दिलीप साहब का ट्विटर हैंडल वही संभाल रहे हैं जब से दिलीप साहब बीमार रहने लगे हैं। बीते कुछ सालों से दिलीप साहब अपना ट्विटर हैंडल खुद नहीं संभाल पाते, लेकिन दिलीप साहब के लिए उनके कहे अनुसार फैजल फारूकी उनके फैंस के लिए ट्विटर हैंडल के जरिए उनकी हर बात पहुंचाते हैं। अब दिलीप साहब अपने फैंस का चिंता जानते हैं और फैंस को चिंता ना हो इसी बात का ख्याल रखते नजर आए और अपने दोस्त के जरिए संदेश भेजते नजर आए हैं कि वो हॉस्पिटल में हैं मेडिकल इश्यूज़ की वजह से। दोबारा अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, आईसीयू में वो रह रहे हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि दिलीप साहब के कुछ फैंस भी हैं जो ये संदेश पढ़ने के बाद काफ़ी चिंतित नज़र आए हैं और उन्होंने कहा है कि दिलीप साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि कुछ भी उन्हें हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए इसी की दुआ सब कर रहे हैं। बताना हम आपको चाहेंगे कि दिलीप साहब इसी महीने 6 जून को पहले भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे और दोबारा उन्हें आईसीयू में यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। इस वार्ड में उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में हिंदुजा हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है ताकि दिलीप साहब को कोई तकलीफ ना हो। 11 जून को वो घर लौटे थे और उनके घर लौटने की भी जानकारी उनके फ्रेंड जो हैं फैजल फारूकी उन्होंने ही दी थी ये ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए पहले भी, और इसमें कहा गया था कि डॉक्टर गोखले और जलील पार्कर डॉक्टर अरुण शाह इन तीनों ने दिलीप साहब का ट्रीटमेंट किया है। अभी भी उन्हीं के निगरानी में दिलीप साहब का इलाज चल रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।